बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर डिस्कसिंग द थर्ड स्पीच ऑफ सैटन फ्रॉम द बुक ऑफ पैराडाइज लास्ट बुक वन बाय जॉन मिल्टन। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड आवर टेक्स्ट। कहते हैं कि इन दिस द रीजन दिस द सॉइल द क्लाइम, क्या ये वही इलाका है? ये क्या ये जहन्नम का वही इलाका है? अब ये सैटर्न खुद से बातें कर रहा है। दिस द सॉइल, क्या ये वही जमीन है यार? क्या ये वही मट्टी है? द क्लाइम, क्या ये वही मौसम है? सेड देन द लॉस्ट अर्च एंजल दिस द सीट्स, जन्नत से निकाले गए फरिश्ते मतलब शैतान ने कहा, क्या ये वही जगह है? दिस इज द सीट्स, क्या ये वही जगह है? जेट्स वी मस्ट चेंज फॉर हेवन दिस मॉर्नफुल ग्लूम, जो हर सूरत में जन्नत के बदले में मिली है हमें ये गमनाक अंधेरा। दिस मॉर्नफुल ग्लूम मतलब ये गमनाक अंधेरा। जेट्स वी मस्ट चेंज फॉर हेवन मतलब कि जन्नत के तबादले के अंदर हमें जो चीज मिली है, दिस मर्नफुल ग्लूम ये गमनाक अंधेरा है। फॉर डेट्स सेलेस्टियल लाइट्स बी इट्स सो सिंस ही, यहां वो कह रहा है कि इस जन्नत की रोशनी के बदले में ऐसा ही है, क्योंकि वो कहता है कि इस जन्नत की रोशनी के बदले में, फॉर दैट्स सेलेस्टियल लाइट इस जन्नत की रोशनी के बदले में बी इट सो, ऐसा तो फिर ऐसे सही सिंस ही, क्योंकि वो आगे कह रहा है कि हु नो इज सोवरन कैन डिस्पोज एंड स्पीच, यहां वो कह रहा है कि जो अब बादशाह है ना, यहाँ खुदा की बात कर रहा है कि जो अब वहां बादशाह है, हो सकता है कि हम जन्नत में ही रहते तो वो हमें अपनी तरफ माइल भी कर सकता था और हमें हुक्म भी दे सकता था, ठीक है, क्योंकि हम उसकी जागीर के अंदर थे, ठीक है, हम उसकी रियासत के अंदर थे। डेथ शेल बी राइट फॉर डेस्ट फ्रॉम हिम इज बेस्ट, तो बेहतर यही है कि जितना हो सके हम उससे दूर ही रहें भाई। होम रीजन हाथ इक्वल फोर्स हाथ मेड सुप्रीम, कहते कि नो डाउट कि हमारी अक्ल अब उससे ज्यादा ही है, उसके बिल्कुल बराबर ही है, लेकिन एक बात मानने वाली है कि भाई उसकी ताकत हमसे ज्यादा है। अबव हिज इक्वल्स, जो बराबरी वालों से, ठीक है, यहाँ बराबर में, फॉर एवर हैप्पी फील्ड्स, बाय बाय जन्नत, अलविदा जन्नत। अब मजे की बात ये कहने लगा है, वेयर जाए फॉर एवर ट्वेल्स हिल्स हर्स हिल, कहते कि वो जन्नत की जगह जहां हर जगह ही खुशियां होती हैं, और इसके कम एज कंपेयर टू इट अगर हम बात करते हैं दोजक की, तो दोजक में हर तरफ खौफनाक जगह, ठीक है, हर चीज खौफनाक खौफनाक अंधेरा, जैसे पीछे जिक्र किया उसने। फिर वो कह रहा है कि खुश आमदीद, खुद सही कह रहा है। इन्फर्नल वर्ड्स एंड द प्रोफाउंडेस्ट हेल, कह रहा है कि ए जहन्नम की दुनिया और तुम गहरी तरीन जहन्नम। इन्फर्नल वर्ड ए जहन्नम की दुनिया, ये इन्फर्नल वर्ड यहां दूसरी दफा यूज हुआ है, एक तो शाम के लिए यूज हुआ था और इसके एक इसके लिए जो है ना वो एक दूसरी दफा यहाँ यूज कर रहा है। इन्फर्नल वर्ड एंड्स दो प्रोफाउंडेस्ट हेल, प्रोफाउंडेस्ट हेल कहते हैं गहरी तरीन चीज जो आप कह सकते हैं इसको, एंड्स दो प्रोफाउंडेस्ट हेल ए जहन्नम की दुनिया, तुम गहरी तरीन जहन्नम रिसीव दे न्यू पोजेसर, अपने नए आका अपने नए मालिक का इस्तकबाल करो। वन हु ब्रिंग्स, एक ऐसा मालिक, वन हु ब्रिंग्स जो रखता है, क्या रखता है, अ माइंड्स
नॉट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, मोटिवेशनल लाइन है, इसको ज़हन में रखिएगा, माइंड्स नॉट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम, जो जगह या वक्त की तब्दीली से नहीं बदल सकता। कहता कि वो एक तो अपने नए मालिक का इस्तकबाल करो, जहन्नम वालों को कह रहा है कि जहन्नम अपने एक नए मालिक का इस्तकबाल कर, नए आका का इस्तकबाल कर जो दिमाग रखता है, लेकिन दिमाग ऐसा नहीं है कि जो वो जगह या वक्त की तब्दीली से बदल सकता हो। आगे वो कह रहा है कि दिस माइंड, ये दिमाग, इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ, ये दिमाग खुद की अपनी ही जगह रखता है, ठीक है, और ये खुद है, खुद में ही है, दिमाग की अपनी ही एक जगह है और ये खुद में ही है। कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन, ठीक है, ये एक ऐसा दिमाग है जो जहन्नम से जन्नत बना सकता है और जन्नत से जहन्नम भी बना सकता है, क्योंकि आदमी के खुद के इख्तियार में होता है। What matter where if I be still the same, कोई मामला नहीं है, कोई मामला नहीं, मैं जिस जगह पर भी हूं, कहता है कि इस बात का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस जगह पे हूं, अगर मैं वही हूं, ठीक है, अगर मैं वही हूं, मतलब पहले वाली ताकत वाला ही हूं, कहता है इस जगह से मुझे कोई मैटर नहीं पड़ता, कोई डजंट मीन कि मैं जहन्नम में हूं या जन्नत में हूं, इस वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं जहां भी हूं मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर एंड व्हाट आई शुड बी ऑल बट लेस देन ही, यहां वो कह रहा है और जो मुझे होना भी चाहिए, ठीक है, एंड और जो मुझे होना भी चाहिए, एंड व्हाट आई शुड बी, और जो मुझे होना भी चाहिए, मैं सब कुछ हूं, ठीक है, मैं सब कुछ हूं लेकिन इस खुदा से ताकत से कम हूं, एंड व्हाट शुड एंड व्हाट आई शुड बी, और मुझे होना भी चाहिए, बट ऑल बट लेस देन ही, ठीक है, मैं सब कुछ ही हूं लेकिन यकीन मानो कि उससे ताकत से कम हूं। Whom thunder hath made greater here at least, जिसे मतलब खुदा को इसके गुस्से में अजीम बना दिया है, कम से कम यहां मतलब जहन्नम में, कहते हैं कि नो डाउट कि मुझे सब कुछ होना चाहिए लेकिन मैं उससे ताकत से कम हूं, ठीक है, और खुदा को तो भाई उसके उसके गुस्से ने ही उसको अजीम बना दिया है, ठीक है, कम से कम यहां तो नहीं चलेगा ना जहन्नम के अंदर। वी शैल बी फ्री, द अलमाइटी हैथ नॉट बुलेट्स, यहां वो कह रहा है कि ये हम आजाद हो गए हैं, हम अब आजाद हो गए हैं, कोई इस तरह की जगह इस अजीम ताकत वाले खुदा ने नहीं बनाई। वी शैल बी फ्री, हम आजाद होंगे, दी अलमाइटी हैथ नॉट बी बुलेट, जो इस खुदा ने जगह, कोई ऐसी भी जगह होगी जो इस खुदा ने नहीं बनाई होगी, ठीक है, हम उस जगह पे आजाद होंगे। हियर फॉर हिज एनवी, यहां उसके दुश्मन विल नॉट ड्राइव अस हेंस, यहां इसके यहां बात कर रहा है कि यहां हम इसके हसद से दूर होंगे, इसके हसद का शिकार नहीं होंगे। कहते हियर फॉर हिज एनवी विल नॉट ड्राइव अस हेंस, यहां हम उसके हसद से दूर बैठे हुए हैं, यहां उसके हम हसद का शिकार नहीं होंगे। हियर वी मे retain secure ends in my choice, यहां वो कह रहा है मतलब choice in choice, यहां वो choice use करेगा, ठीक है, पीछे वाला लफ्ज secure होगा, ठीक है, retain secure ends in my choice, हम इस जगह जहन्नम में,
मतलब खुदा से महफूज होकर हुकूमत कर सकेंगे और मेरे मुताबिक, इन माई चॉइस, मतलब अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट। कहता कि हम यार जन्नत से ज्यादा बेहतर ये है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, कम अज कम हम उसकी हसद से तो बचे हुए हैं ना, ठीक है, और महफूज हैं उसकी हुकूमत से, ठीक है, और यहाँ हम अपनी अकॉर्डिंग टू योर ओन एम्बिशन हम यहाँ पे अपनी हुकूमत जमा सकते हैं। ट्रीजन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। यहां वो कह रहा है कि हुकूमत करना ही बेहतरीन है, ठीक है, चाहे हो जहन्नम में, ठीक है, चाहे हो जन्नत में, ठीक है, यहां कह रहा है कि वो हुकूमत करना ही तो बेहतर है, ठीक है, चाहे हो हुकूमत जहन्नम में ही क्यों ना हो, बस हमारे लिए हुकूमत करना बेहतर है, ठीक है। वो जन्नत में अगर हुकूमत कर रहा है ना, तो हमें अगर जहन्नम में अगर हम हुकूमत करेंगे तो यही बेहतर हो। Better to reign in hell than serve in heaven। जहन्नम में हुकूमत करना जन्नत की गुलामी से बेहतर है, क्योंकि यहां हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। But fearful lest we then our faithful friend, लेकिन ए मेरे वफादार दोस्तों एक बार फिर, बस लेकिन fearful lest me Let's we then our faithful friend, लेकिन ए मेरे वफादार दोस्तों एक बार फिर से the associates and co-partners of our loss, ए दोस्तों, ठीक है, या ए मेरे वफादार साथियों जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और हमारे नुकसान के हिस्सेदार हैं। With this Astonished on the obvious tool, क्या मैं इन्हें इस हैरान कुन जहन्नम के गड्ढे में पड़ा रहने दूं? आगे वो कह रहा है, And call them not to share with us their parts, और इन्हें हिस्सेदार बनने के लिए ना बुलाऊं, And call them और उन्हें बुलाऊं Not to share with us their part, ठीक है, और उन्हें ना बुलाऊं अपने अपने से हिस्सेदार बनाने में, क्या मैं उनको हिस्सेदार बनाने के लिए ना बुलाऊं? In this unhappy mission or once more, इस नाखुश होने वाली जगह, मतलब जहन्नम में, या फिर एक बार फिर, ठीक है, और once more, या फिर एक बार फिर, With replied arms to try, death may be yet. तमाम जमा की गई ताकत जो करने की कोशिश करें जो हो सके, रिजेंस इन हेवन और व्हाट्स मोर लॉस्ट इन हेल, जन्नत में दोबारा हुकूमत हासिल करने के लिए या इस जहन्नम में मजीद नुकसान का सामना करने के लिए। अगेन सुन लें पीछे से दो तीन लाइंस, कहता कि एंड कॉल देम नॉट टू शेयर विद अस their part, और इन्हें हिस्सादार बनने के लिए ना बुलाऊं, in this unhappy mission, ठीक है, इस नाखुश होने वाली जगह, मतलब इस नाखुश होने वाली जगह, मतलब जहन्नम में, ठीक है, और once more, ठीक है, या फिर एक और बार, with replied arms to try what may be yet, तमाम जमा की गई ताकत, ठीक है, वो करने की कोशिश करेंगे जो हो सके, रिजेंस इन हेवन और व्हाट्स मोर लॉस्ट इन हेल, जन्नत में दोबारा हुकूमत हासिल करने के लिए या इस जहन्नम में मजीद नुकसान का सामना करें। सो दिस वॉज अबाउट द थर्ड स्पीच ऑफ सैटन। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क then you can ask me in comment section. So if you like this speech, basically this was the motivational speech of Saturn. So please don't forget to subscribe our channel.